वीडियो में देखने वाले इस थे, सैमसंग के फ़ोन में ईमेल आईडी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप भी अपने फ़ोन में ईमेल आईडी को किसी सैमसंग के फ़ोन में ईमेल आईडी को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो तो आसान भाषा बताएंगे। सैमसंग में किसी ईमेल आईडी को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस हमारे इस वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखते रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देखने वाले किसी ईमेल आईडी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। किसी ईमेल आईडी को डिलीट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस हमारी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा, आप रिप्लाई देने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले किसी ईमेल आईडी को डिलीट करने देख सकते हैं, आपको दो तरीका देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको यहाँ सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में देख सकते हैं ईमेल आईडी का देखने को मिल जाएगा बीकू कुमार प्रजापति के ऊपर से। यहाँ पे अपने ईमेल आईडी देखने के लिए जस्ट आपको सबसे लास्ट में चले जाना है कि गूगल का अकाउंट को नहीं, आपको यूजर एंड अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ गूगल को यहाँ सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं, जो भी आपके फ़ोन में ईमेल आईडी होंगे सभी आपको ईमेल आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिस भी ईमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को देख लेना है। देखने के बाद आपको ईमेल आईडी पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी पर क्लिक करने के बाद आपको कॉर्नर पे एक थ्री डॉट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं थ्री डॉट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जस्ट हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रिमूव अकाउंट पे क्लिक करके जस्ट हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो भी आपका अकाउंट होगा सभी यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी ईमेल आईडी होगा सभी वो भी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे। जस्ट हम ऊपर करें देख सकते ईमेल आईडी रिमूव हो चुका है। ऐसे अपने सैमसंग के फ़ोन में किसी ईमेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।